गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 4B के जो रिमेनिंग सम हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। 4B का जो पार्ट वन था वीडियो का, उसमें हमने 1 से लेके 6 तक कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम 7, 8, 9, 10 सम को समझेंगे। सेवन सम जो है बिल्कुल आसान है, आपने इसका मतलब समझना है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उसको मोड भी कहते हैं, बड़ी क्लासेस में आपको सुनने को मिलेगा मोड। अब इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हमें क्वांटिटी को लिखना है, डायरेक्शन को नहीं देखना है। डायरेक्शन मतलब यहाँ पे है प्लस या फिर माइनस, तो जो भी उसके आगे साइन लगा हुआ है माइनस है तो उसको हटा देना है। हमें सिर्फ जो क्वांटिटी है उसके अंदर उसको ही हमें आंसर में लिखना है, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। अब जैसे फर्स्ट है मोड ऑफ 7, तो आंसर आ जाएगा 7। आपने लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 7। ऐसे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने लिख देनी है एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 3/7। सिर्फ इतना काम आपको इसमें करना है। नेक्स्ट वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/5। नेक्स्ट वाले की हो जाएगी 4/11। नेक्स्ट को अगर आप देखो 22, और लास्ट वाले का आंसर आएगा -31/49। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में जो साइन है उसको हटा देना है। तो लास्ट वाले का आंसर हमारा बन जाएगा 31/49। अब हमें नेक्स्ट देखना है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो इसको अरेंज करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। हमें पहले जो है नीचे वाले को सेम करना है, सेम मतलब एलसीएम उसका निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद हम जो है इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरिजन कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी 7/9, 5/6, 11/12, -1/3 एंड -3/4। इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो हम जो है नीचे वाली जो हमारी स्टेटमेंट है उनका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है जी। तो एलसीएम इनका क्या बनेगा, यहाँ साइड में निकालते हैं 9, 6, 12, 3, 4। तो 3 की टेबल में ये सभी आते हैं लगभग, एक को छोड़ के। तो 3 पे कैंसिल कर दें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 as it is। फिर जो है 2 की टेबल में ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, तो 3 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 2 जा 4। अब नीचे जो है वो सभी के सभी को प्राइम नंबर हैं, मतलब कोई भी सेम टेबल में नहीं आता है, लेकिन 2 और 2 ये दो बार है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 3 1 1 1 1। अब 3 की टेबल में 1 1 1 1 1। अब इनकी हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये हमारा बनेगा एलसीएम। अब इसको रब कर देते हैं। अब इसके नीचे आपने यहाँ पे एलसीएम को लिख लेना है 36। थोड़ा इसको बड़ा करके लिखते हैं। अब एक एक करके आपने इनको नंबर्स को सॉल्व करना है, जैसे हम एडिशन वगैरह करते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा कॉमा लगा के लिखना है। 9 4 जा 36, तो 7 4 जा 28। फिर कोमा लगा देना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 6 की टेबल में 36 कितने पे आता है, तो 6 6 जा 36, 5 6 जा 30। नेक्स्ट 12 3 जा 12 3 36 होता है, तो 11 3 हो जाएगा 33। 3 की टेबल में 36 कितने पे आएगा, 12 पे, तो -1 की 12 से मल्टीप्लाई -12। फिर 4 की टेबल में 36 कितने पे आएगा, 9 पे, तो 9 3 जा -27। अब इन नंबर्स को आपने कंपेयर करना है, और जो इसके ऊपर नंबर थे जिनसे ये बने हैं उनको आपने सीरीज में अरेंज कर देना। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि माइनस वाले नंबर तो हमेशा प्लस वालों से छोटे ही होते हैं। अब क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो छोटा सबसे पहले लिखना है। अब -12 -27 दो नंबर माइनस वाले हैं, तो इनमें से छोटा कौन है? तो आपको याद रखना है माइनस वाले में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा हो जाएगा। तो माइनस का जो 27 है वो सबसे छोटा है, तो -27 बना है लास्ट वाले से, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे -3/4।
फिर कोमा लगा के। नेक्स्ट है माइनस ट्वेल्व, तो माइनस वन बाय थ्री। फिर उसके बाद इनको कंपेयर करो, इनमें सबसे छोटा कौन है, 28। 28 बना है 7 बाय 9 से, तो ये आ जाएगा 7 बाय 9। ऐसे ही 30, तो 30 बना है किससे, 5 बाय 6 से। और लास्ट जो हमारे पास बच गया वो है 11 बाय 12। तो ये बन गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो ये मेथड आपको याद रखना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है, फिर एलसीएम के साथ इन सभी स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेना है, फिर ये जो हमारी स्टेटमेंट आएंगी इनको कंपेयर करना है, और इनके साथ वाले जिनसे ये बने हैं उनको इस तरह से अरेंज कर देना है। असेंडिंग में सबसे छोटा पहले आता है, डिसेंडिंग अगर अरेंज करना है तो सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड सम आपने खुद ट्राई करना है एलसीएम मेथड से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें ध्यान से, तो इसमें आपको अरेंज करना है रैशनल नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है तो बिल्कुल सेम एलसीएम मेथड ही आपने यूज़ करना है जैसे पिछले वाले सम में हमने किया है। तो इसमें इस सम को करके देखते हैं, तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इस तरह से 10, 5, 15, 6 एंड 30। अब इसमें अगर आप देखें तो 5 की टेबल में आ रहे हैं सारे के सारे, 5 टू जो 10, 5 वन जो 5, 5 थ्री जो 15, 6 एज इट इज़, 5 सिक्स जो 30। अब 2 की टेबल में 2 वन जो 2, 1, 3, 2 थ्री जो 6, 2 थ्री जो 6। फिर 3 की टेबल में 1, 1, 1, 1, 1। अब इनकी कर दो आप मल्टीप्लाई, 5 टू जो 10, 10 थ्री जो 30। तो एलसीएम जो बनेगा इसका वो बनेगा 30। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 10 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 3 पे, तो ये बन जाएगा 7 थ्री जो 21। 5 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 6 पे, 6 टू जो 12। 15 की टेबल में 2 पे आता है, तो 11 टू जो माइनस 22। फिर 6 की टेबल में 35 पे, तो 5 वन जो 5। 30 की टेबल में 31 पे, तो 17। अब हम देखते हैं माइनस वाला तो सबसे छोटा होता है, तो इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे माइनस 11 बाय 15। फिर सबसे छोटा और कौन है, माइनस 5, नहीं ये हमें डिसेंडिंग में अरेंज करना है, तो गलती नहीं करनी है, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हम जो हैं सबसे बड़ा, बड़ा कौन है सबसे, 22, नहीं ये तो माइनस का है, तो प्लस वालों में बड़ा है 21। 21 बना है 7 बाय 10 से, तो 7 बाय 10। फिर 21 से छोटा कौन आ रहा है, 17। 17 बना है 17 बाय 30 से। फिर नेक्स्ट आएगा 12। 12 बना है 2 बाय 5 से। और नेक्स्ट आएगा 5। 5 बना है 1 बाय 6 से। और लास्ट माइनस 22, तो ये बना है माइनस 11 बाय 15 से। तो ये थे आपके डिसेंडिंग ऑर्डर वाले सम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी 10th, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब ये जो बिटवीन वाले नंबर हमें निकालने हैं, तो इसमें भी आपने एलसीएम का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है उसको हम सीखते हैं। 9 सम है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस 5 बाय 7 एंड माइनस 3 बाय 8। अब 7 और 8 का एलसीएम अगर हम लें तो दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 8 7 जा 56। तो 56 है, तो हमें जो नीचे वाले नंबर हैं उनको 56 बना देना है। अब 56 बनाने का तरीका क्या है वो देखें आप, 5 बाय 7 है, इधर है माइनस 3 बाय 8। तो आपको क्या करना है, इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, इधर भी ऊपर नीचे, लेकिन करनी किससे, इसके नीचे जो था 7 उससे तो इन दोनों को करनी है मल्टीप्लाई, और जो इसके नीचे 8 था उससे करनी है इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखना नीचे सेम हो जाएगा, 5 8 जा 40 माइनस 40 बाय 56, और ये हो जाएगा
37 जा माइनस 21 बाय 56। अब आप देखें 40 और 21 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं हमारे पास, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरह से 40 तक। तो हमारी मर्जी है कि हम कोई भी पांच नंबर जो हैं इनके बीच के लिख सकते हैं। तो आप लोग कौन से लिखेंगे, माइनस 22 बाई 56, माइनस 23 बाई 56, माइनस 24 बाई 56, माइनस 25 बाई 56, इस तरह से आपने पांच नंबर इनके बीच वाले लिख देने हैं। नेक्स्ट सम भी आपने सेम इसी मेथड से करना है, इनका एलसीएम क्या बनेगा, 35 जा 65। तो नीचे हमें 65 बनाना है, तो बनाने का तरीका क्या है, माइनस 1 बाई 5 लिखोगे आप, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इधर नीचे कौन है 13, तो 13 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही इधर है माइनस 4 बाई 13, तो इसको ऊपर भी नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा माइनस 13 बाई 65 और ये बन जाएगा माइनस 20 बाई 65। तो इनके बीच के चार नंबर लिखने हैं आपने, तो माइनस 14 बाई 65, माइनस 15 बाई 65, सॉरी यहाँ पे 65, और माइनस 15 बाई 65, माइनस 16 बाई 65, इस तरह से चार नंबर आपको लिख देने हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4B के 8 सॉरी 7th 8th 9th 10th सम।